हेलो डियर स्टूडेंट, आज सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ पढ़ेंगे। नया टॉपिक है और उसमें फाइलिस है, उसके बारे में जानेंगे। फाइलिस क्या होता है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है क्या, उनको भी जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है, दिस द टर्म सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रिफर टू अ वेराइटी ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम एंड इन्फेक्टिस कॉज बाई पैथोजन दैट कैन बी एक्वायर्ड एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटी। जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से ये डिजीज़ होते हैं, और इनमें ये कई कारणों से होते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, आपके सेक्सुअल पार्ट में होते हैं, या फिर तो कभी जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो टंग्स में, हाथ पैरों में दिखाई पड़ते हैं, कुछ पैचेस भी होते हैं। बहुत सारे इनमें डिजीज़ है, उनमें से हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे। तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है कि ड्यूरिंग जब सेक्सुअल ट्रांसमिशन करने से, सॉरी सेक्सुअल एक्टिविटी करने से जो डिजीज़ हो जाते हैं बाय द पैथोजन या कंटामिनेटेड या अनहाइजीनिक की वजह से, उन सब बीमारियों को हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर रखते हैं और उनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड ऑफ द WHO, मतलब WHO के एस्टिमेट से पता चला है, मोर देन अ मिलियन पीपल एक्वायर्ड STD एवरी डे। मतलब मोर देन मिलियन, करोड़ से भी लोग ज़्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं हर एक दिन, एंड द नंबर इज़ इंक्रीज डे बाई डे। और ये जो नंबर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इट हैज़ बीन सेड दैट द मेजोरिटी ऑफ दिस न्यू इन्फेक्टेड अराइज इन यंग अडल्ट। ये कम से कम बहुत ही अडल्ट में अराइज बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अप टू 25 ईयर ऑफ एज, 25 साल की एज तक, एज में स्टार्टिंग शुरू हो जाता है और तक बढ़ते जाता है। वेल अबाउट 1/3 ऑफ दिस ओकर्स एमंग इंडिविजुअल यंगर देन 20 ईयर ऑफ एज। मतलब आधी तिहाई आबादी यंगर्स जो पीपल करीबन 20 ईयर तक आते हैं वो इस चीज़ से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एट द ग्लोबल लेवल, पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल यानी ग्लोबल यानी पूरी संसार के लेवल से देखा जाए तो गर्ल्स एज्ड 14-19 आर ऑलमोस्ट ट्वाइस द सस्पेक्टेड बल टू STSI एज अ कंपेयर टू द बॉय इन द सेम एज ग्रुप। जो ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों में हो सकता है, और ज़्यादातर ये माना गया है 14-19 साल के लड़कियों में स्टार्टिंग इसमें ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस एज में बहुत ही सेंसिटिव एज होता है, सस्पेक्टेबल होता है STI के लिए कंपेयर टू सेम एज ग्रुप ऑफ बॉयज़। नेक्स्ट है सिफिलिस डिजीज़। यही एक डिजीज़ है ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, और वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सिफिलिस डिजीज़ क्या होता है, इज़ अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने से या हमारे प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शन वगैरह उनकी वजह से ये फैलते हैं, विच इज़ नॉट एज अ कॉमन एज अदर STI। ये बाकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की तरह ये मामूली सी डिजीज़ नहीं है, पर ये बहुत ही घातक और बहुत ही डेंजरस है। तो इस डिजीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है अपने इन सब चीज़ों को जानना। एक मामूली इंसान को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता क्या है, और जबकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। हाउएवर इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कॉज वेरी सीरियस। अगर इस बीमारी को ऐसे ही छोड़ दें मामूली समझ के या फिर इसको इग्नोर किया जाए तो ये बहुत ही सीरियस घातक ले सकता है। इन द केस ऑफ फीमेल शायद बच्चे ना हो, डेथ हो सके, या फिर बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मेल के केस में भी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आगे देखेंगे, बेसिस ऑफ इटियोलॉजी फैक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, कॉन्जेनिटल ग्रुप, दूसरा एक्वायर्ड ग्रुप। कॉन्जेनिटल में क्या होता है, इन दिस टाइप एन इन्फेक्टेड मदर ट्रांसमिट द डिजीज टू हर इन्फेंट। जो कॉन्जेनिटल सिफिलिस है इसमें क्या हो सकता है कि इसमें जो ये इन्फेक्टेड है ये मदर से इन्फेंट में यानी उसके होने वाले बच्चे जो पेट में हैं उनसे भी जा सकता है, ड्यू टू डू इंट्रायूटेरल इन्फेक्शन। और इन द इन्फेंट में हैव अ कॉन्जेनिटल सिफिलिस बाय द बर्थ और द फीटस में भी डाई।
अगर कोई इन्फेंट है जो इससे ग्रसित हो जाता है कॉन्जिनिटल सिफाइलिस से, तो वो बर्थ के टाइम में या फिर तो फीटस जो ग्रोथ हो रहा है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीटस है, या तो एट अ बर्थ टाइम इसकी डेथ हो सकती है। सोचिए कितना खतरनाक है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। एक्वायर्ड सिफाइलिसिस, इन दिस टाइप सिफाइलिटिक सेक्स पार्टनर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड में ट्रांसमिटेड डिजीज टू हेल्दी इंडिविजुअल। इसमें क्या है, संक्रमित रक्त यानी इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू भी पार्टनर किसी दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है, या ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिटेड द डिजीज टू हेल्दी इंडिविजुअल, या कोई सीरम हो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, अगर किसी बंदे को ये इफेक्ट है इस चीज़ से और वो अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो जो हेल्दी पर्सन है या पार्टनर है उसको भी हो सकता है। तो आगे देखेंगे इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है। इसका कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपोनेमा पैलिडिमा। ये ट्रिपोनेमा पैलिडिमा ये जो है ये इसके कॉजेटिव एजेंट है, मतलब इस बैक्टीरिया की वजह से, इस पैथोजन की वजह से ये सिफिलिस हम लोगों को बीमारी हो जाती है। और इसके कुछ बैक्टीरिया के थोड़ा सा फीचर देखेंगे तो ये जो स्पायरल शेप होता है, एट माइक्रोस्कोपिक शेप देखने पे स्पायरल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जैसे कोई स्प्रिंग है ना उस टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी साइज 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है और जो है स्पायरोकेट होता है, यानी स्पायरोकेट मतलब होता है कि ये कॉइल शेप में बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइनल मतलब टेढ़े मेढ़े टाइप में, और जैसे इसका साइज बताया 15 माइक्रोमीटर होता है, विजिबल इन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक, और ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक में विजिबल शो करते हैं। अगर इसका माइक्रोबियल टेस्ट किया जाए, डायग्नोस किया जाए, तो फ्लोरोसेंस्ट के अंदर इसको देखने पे डार्क विजिबल मैटर से ये विजिबल दिखाई पड़ते हैं, एप्पल ग्रीन शेप में विथ स्क्रू लाइक मूवमेंट मोटेशन, यानी इसमें मोटेशन होता है यानी मूवमेंट होता है स्क्रू लाइक मोटेशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखेंगे, द बैक्टीरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो टाइप के मेनली होते हैं, जिसमें बच्चे से जा सकता है कॉन्जेनिटल में और एक्वायर्ड में बाय द एक्टिविटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, या कह सकते हैं म्यूकस लेयर से या म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन में ये ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्ट। तो अगर हमारे कोई सीरम है, ब्लड है, इन सब के कॉन्टैक्ट में हम किसी और बंदे के साथ में आते हैं तो डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इन्फेक्टिसिस ओकर्स इन 30% ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और 30% तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के ड्यूरेशन में ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी इंसान को ये सिफिलिस बैक्टीरिया जो है ट्रिपोनेमा पैलिडिमा ये प्रेजेंट है उसके ब्लड में, तो अगर हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, किसी और को ब्लड दे रहे हैं, तो ये ट्रिपोनेमा पैलिडिमा बैक्टीरिया जो है उसके ब्लड में पहुंच जाएगा। तो ये है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये कैसे फैलेगा और कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होगा। इसके सिम्टम्स क्या देखेंगे, तो इसके सिम्टम्स जो है मेनली 3 स्टेजेस में रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द टाइप ऑफ सेक्सुअल सिफिलिस की वजह से। जो प्राइमरी ये प्राइमरी स्टेज होता है, यानी शुरुआती जब जो लक्षण दिखाई देते हैं वो 3 से 4 वीक के अंदर दिखाई पड़ते हैं, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ चेनकरी होता है, यानी एट अ पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ जेनाइटल या वेजाइनल, मतलब जो जेनाइटल वेजाइनल हमारा पार्ट है प्राइवेट पार्ट का, जो सेक्सुअल ऑर्गन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जेनिटल वेजाइन में, वहाँ पर एक चेनकरी लाइक स्पोर्ट्स पाए जाएंगे। वो क्या हो गया, पेनलेस लेशन होंगे, यानी उसमें दर्द नहीं होगा, उसमें सेंसेशन नहीं होगा, और अल्सर टाइप में 4 टाइप में फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई तकलीफ है या बीमारी है, आप एज वेल इसको इग्नोर कर दे ऐसा होगा। पर कुछ टाइम बाद ये दोबारा ही रिजनरेट हो जाते हैं, कुछ दिन अपने आप जनरेट होंगे, उसके बाद खुद ब खुद अपने आप चले भी जाएंगे। तो ऐसा प्राइमरी स्टेज में ऐसा सिम्टम्स आपको शो होगा वो 3 से 4 वीक के अंदर में। सेकेंडरी स्टेज में क्या है, डे टू द मंथ
जो सेकेंडरी स्टेज है, डे टू द मंथ, मतलब दिन से महीनों के अंदर, यानी इन द सेंस कि महीनों में, एक महीने के अंदर शो होगा, या तो डे टू डे दिखाई देगा। इसमें ऑर्गन्स एंटर करेगा, ब्लड, स्किन रैसेस, मतलब इसमें तो अब जेनाइटल पार्ट में, पहले वाले में तो दिखा रहा था कि जेनाइटल पार्ट में एक चेनक्रिया शो होगा, यानी चेनक्रिया मतलब पेनलेस लेसन अल्सर, मतलब स्पॉट्स स्पॉट दिखाई देंगे। सेकेंडरी स्टेज में क्या है, ये स्किन रेस ब्लड ब्लड में एंटर कर जाएगा बाय द फ्यूज़न या किसी और वजह से। अगर आपका ब्लड में ये ट्रिपोनिमा पैलेटिमा अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये सबसे पहले आपको स्किन रैशेज दिखाई देंगे, बाल घिरने लगेंगे, फीवर आने लगेगा, जॉइंट्स में स्वेलन हो जाएगी, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, खांसी सर्दी बुखार लाइक में ये सब सिम्टम्स आएंगे, और आपको लगेगा ही नहीं कि हम इस फाइलस से ग्रसित है सेकेंड स्टेज में। फिर थर्ड स्टेज जो है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बाय लेटरल, इसको डिवाइड कर दें तो हम लोग अर्ली लेट स्टेज में और लेटेंट स्फाइलोस में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर, अगर पहले मतलब ये ईयर काफ़ी सालों तक बना रहता है और बीत रही है, एज बाय एज बनता रहता है। शुरुआती स्टेज आपको समझ नहीं आएगा 10-15 साल तक, इसके बाद सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज पहुँचते जाएंगे। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, अर्ली लेटर स्टेज में, फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेक्शन में क्या होगा, पेशेंट रिमेन एसिम्प्टोमेटिक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शुरुआती जो अवचरण है उसमें पहले वर्ष में बनता है, लंबे समय तक रोगी लक्षहीन रहता है, पता नहीं चलेगा ये थर्ड स्टेज में। फिर लेटरल जब पहुँचेंगे और सीरियस होते जाएंगे तो क्या होगा, इसमें आपको 40 ईयर तक अफेक्ट करता है ये, मतलब इतने दिनों तक आपकी बॉडी में बना रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा इनके सिम्टम्स। आपको लगेगा जनरली दाग खाज खुजली है, ऐसे ही बस बाल गिर रहे हैं कमज़ोरी की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, और ये बीमारी अपना काम करता रहेगा और कम्प्लीटली ये डैमेज कर देगा आपके नर्वस सिस्टम को, ब्लाइंडनेस कर देगा, सबसे खतरनाक ब्लाइंडनेस कर देगा। कोई डॉक्टर डायग्नोस भी नहीं कर पाएगा कि आप ब्लाइंडनेस क्यों हुए हैं। फिर उसके बाद पता चलेगा कि ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑर्गन डैमेज, मतलब इतना खतरनाक है कि धीरे धीरे शरीर को ये पूरा खा जाता है, पूरा ख़त्म कर देता है, आपके हार्ट को डैमेज कर देगा, हार्ट की वेसल्स हैं उनको डैमेज कर देगा, ब्लड वेसल डैमेज कर देगा, लीवर बोन एंड जॉइंट्स, है ना, मतलब इतना खतरनाक है ये कि अगर हम इसको डायग्नोस नहीं करें, ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये हमें हमारे धीरे धीरे शरीर को अंदर ही अंदर खाते हुए, अंदर ही अंदर इसको खोखला बना देगा। डायग्नोस यानी कि इनका कैसे डायग्नोस किया जाए लैब में, तो स्पीसीमैन लिया जाएगा। स्पीसीमैन यानी जो सैंपल प्रोडक्ट है, जो सैंपल दे, जैसे ब्लड लिया गया है या कोई सीरम लिया गया, तो अगर सीरम चेक करवाया जाता है तो सीरोलॉजिस्ट डायग्नोसिस किया जाएगा। एक्जुडेट में प्राइमरी लीजन होगा, CSF में न्यूरोस्पुरियल अगर टाइप है इसका तो न्यूरोस्पुरियल लेकर के सेरिब्रोस पैनल फ्लूड लेकर के इनका टेस्ट किया जाएगा। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट दो टाइप में होंगे, बहुत सारे हैं लेकिन दो का यहाँ पर हम डिस्क्राइब किए हैं। थोड़ा सा डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपिक, जैसे हमने शुरुआती तौर पर बताया, तो डार्क ग्रुप ग्राउंड माइक्रोस्कोपिक में क्या है, एक स्पेसिमेन का हम लोग एक वेट फिल्म प्रिपेयर किया जाएगा, और उसको उसमें जो वेट फिल्म प्रिपेयर किया गया उसमें स्पेसिमेन को 1 ड्रॉप दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाएगा डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप में, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ TP यानी ट्रिपोनोमा पैलेटा मॉर्फोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, कैसी दिख रही है, कलर कैसा शो हो रहा है, मोटाइल है नॉन मोटाइल है, ये सब चीज़ें देख करके पता हम लोग ये अनुमान लगाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, एसिड बेस है, जैसा है ये हम लोग पता लगाएंगे। तो ये एक टेस्ट का एक तरीका हुआ। दूसरा टेस्ट में क्या होगा, डायरेक्ट फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी स्टेनिंग फॉर अ टी पैलेटिमा। इसमें क्या होगा, स्टेनिंग प्रोसेस से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा है, स्मीयर प्रिपेयर करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे ट्रिपोनोमा पैलेडिमा अगेंस्ट मोनोकोलोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ करके, विच इज़ जो कि लेबल्ड होगी फ्लोरोसेंस डाई से, और इसको शो करेंगे जब फ्लोरोसेंस लाइट में, तो ये एप्पल ग्रीन शो करेगी। इस यूट्यूब पे अगर या फिर तो गूगल पे इसके फ़ोटो इस पिक्चर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट भी कई स्टेज कई फेजेस में हो सकता है कि अगर जैसा वो कॉज किया है सीरियस है तो इसकी वजह से, पर शुरुआती स्टेज में आपको एंटीबायोटिक से ही ट्रीट किया जाएगा। तो एल्टोसिन नाम की एक एंटीबायोटिक है जिसमें जिसका कॉम्बिनेशन में जिथ्रोमाइसिन होगी 500 mg, वो आप दे सकते हैं 1 टेबलेट
या फिर तो 1 टैबलेट 3 टाइम में 15 to 20 डेज़ के लिए। और अगर ये एंटीबायोटिक एलर्जी कॉज करे या फिर शूट नहीं कर रहा तो इसका अल्टरनेटिव में एमोक्सी किड है 6 to 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लेवेट के में, ये भी 15 से 20 दिन जाएगा, एक दिन में 2 बार 2 टाइम। फिर अगर इससे भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और भी, तो आप जब सीवियर इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उसकी जगह में आप सिफ्यूरोक्सिम इंजेक्शन आएगी 1.5 ग्राम की, वो इंट्रावेनस 10 to 15 डेज दिया जाएगा। और दूसरी बात कि उसकी जगह में चॉइस, अगर ये उसकी जगह में भी चॉइस है तो फोर्टम हेक और सिफ्टेजिडिम इंजेक्शन है, ये 15 से 10 दिन इसके दिया जाएगा। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी इसमें दिया जाएगा, जैसे कुछ ऑइंटमेंट वगैरह है या अगर पेन वगैरह हो रहा है, बुखार वखार है, तो पैरासीटामॉल, कॉम्बिफ्लेम, डोलो, ये सब दे करके इसकी सिम्टोमेटिक लक्षण को दूर किया जाएगा। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जैसे न्यूरो बीएन की 1.m मतलब सॉरी मस्कुलर इंटरमस्कुलर दिया जाएगा 1 डे 10 to 15 डेज, या तो 10 to 7, एक तो 1 वीक के लिए भी दिया जा सकता है। और फिर इसमें ऑइंटमेंट भी प्रीफर किया जाता है न्यूरोबिन। और लास्ट सबसे मोस्ट सीरियस, अगर इन सब से भी नहीं हो पा रहा है तो बहुत ही लास्ट जो एक बनेगा, ये बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही हाई डोज समझ सकते हैं, या बहुत ही इफेक्टिव जो बनेगा वो पैनी ड्यूरा LA यानी लाख यूनिट 12, ये आपको दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर 10 डेज के लिए। और ये इसकी ट्रीटमेंट होंगे। ओके क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई होप सो आपको समझ में आया हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में अगली डिजीज पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।